मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा के नए कलेक्ट्रेट भवन के उद्घाटन के साथ 118 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1015 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगल विंडो के राज्य स्तरीय समिति 23 निवेश प्रस्तावों को अनुमति दी, जिसमें स्वास्थ्य, फार्म, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश होने से 3000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस संदर्भ में SOP जारी कर दी है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी रखी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा की अनुमति न देकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पार्टी ने कहा कि इस समय भाजपा के नेता जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को चार धाम की यात्रा की अनुमति नहीं मिल रही। इसके लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि अगर आप भाजपा सरकार चार धाम यात्रा की अनुमति नहीं देती है तो आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। पैरालंपिक खेलों में अपना कमाल दिखाकर देश का सिर गर्व से ऊंचा करने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के DM सुहास LY की जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है। PM ने और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। PM मोदी ने फोन पर बात कर सुहास LY को कहा कि अरे आप तो मेरे कलीग हैं, आप गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं और सरकार से जुड़े हुए हैं। PM मोदी की यह बात सुनते ही सुहास LY ने हाथ जोड़ लिया। भारत ने 50 साल बाद ओवल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर 5 मैचों में टेस्ट सीरीज को 2.1 की बढ़त बना ली है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में शार्दुल ठाकुर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहली पारी में शार्दुल ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, वहीं दूसरी पारी में भी 60 रन बनाए। इंग्लैंड को दूसरी पारी में पहला झटका शार्दुल ने ही दिया, वहीं इंग्लैंड के आखिरी उम्मीद जो रूट को भी शार्दुल ने ही बोल्ड किया। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के दावे के बाद अब तालिबान नई सरकार बनाने जा रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तालिबान ने चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को सरकार गठन के कार्यक्रम के लिए न्योता भी भेजा है। शासन बदलने के साथ साथ तालिबान देश के लिए नया झंडा और नया राष्ट्रगान भी बनाना चाहता है। तालिबान के प्रस्ताव जबीहुल्ला मुजाहिद ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान के झंडे और राष्ट्रगान पर भी फैसला करेगी। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।